असलम डियर स्टूडेंट्स माई सेल्फ नबीद अहमद आई एम हेयर टू टीचर बॉलॉजी फॉर ग्रेट ट्वेल्थ एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग चैप्टर नाइनटीन द टॉपिक इज ग्रोथ कॉरलेन क्या होता है ग्रोथ कॉरेशन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है तो ग्रोथ कोरेशन क्या है और इसमें इम्पॉर्टेंट इफेक्ट जो हम एक डिस्कस करेंगे जिसको हम एपिकल डोमिन कहते हैं उसकी एप्लीकेशन क्या हैं जनरल लाइफ में यानी कि आम तौर पर जो हम सरवाइव करते हैं इधर इस एपिकल डोमिनेंस का क्या यूज़ेज हो सकता है ये हमें कैसे बेनिफिट देता है इन तमाम को समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ जी स्टूडेंट्स टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ग्रोथ कोरिलेशन यानी कि इसमें हमने क्या करना है ग्रोथ को आपस में रिलेट करना है बिल्कुल सही बात समझें अब देखिए ग्रोथ कोरिलेशन क्या है पहले हम इसको डिफाइन करते हैं फिर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्रोथ कोरोन इफेक्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे देखिए कोरलेट करना कोरलेट करने का मतलब होता है डिफरेंट चीजों को आपस में एक दूसरे के साथ मिलाना आपस में रिलेट करना को का मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कंबिनेशन हम किस को कर रहे हैं हम को कर रहे हैं ग्रोथ ऑफ डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट पार्ट्स ग्रो करते हैं यानि कि हमने बात की डिफरेंट पार्ट्स की डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट पार्ट्स ऑफ प्लांट एक फिर हमने करते हैं कि ग्रोथ जो होती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लाट्स तो होती है बट इट अक्कर एट डिफरेंट ग्रोथ रेट पर हो रही होती है बट दैट अक्र एट डिफरेंट ग्रोथ रेट लेकिन इसकी जो रफ्तार होती है वो क्या होती है डिफरेंट होती है एंड इट अक्कर इन डिफरेंट डायरेक्शन टू यानी कि तीसरा पॉइंट जो है वो हमने बात की डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन अब देखिए एक पौधा है उस पौधे के अंदर ग्रोथ हो रही है डिफरेंट रेट पर हो रही है डिफरेंट डायरेक्शन में हो रही है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो है वो ग्रो कर रहे हैं अब ये आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं यानी कि डायरेक्शन जो है इसके साथ रिलेट करेगी ये इसके साथ रिलेट करेगी ये जो है वो इसके साथ रिलेट करेगी अब ऐसा भी हो सकता है डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट ग्रोथ रेट पे कर रही और ये different directions में करें क्या है ये हमने ग्रोथ को आपस में में किया है है कि different directions में ग्रोथ हो रही है, बिल्कुल हो रही है डिफरेंट रफ्तार पे हो रही है ग्रोथ बिल्कुल हो रही है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट की ग्रोथ हो रही है बिल्कुल हो रही है तो दिस कोरेशन रेसिप्रोकल रिलेशन जो कि हमने डिफरेंट रेट डायरेक्शंस पार्ट्स पे लगाया है दिस इज नोन एज ग्रोथ कोरिलेशन अच्छा मुझे एक बात तो बताएं इधर एक फनी सी बात है क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारी बॉडी जो है लेट्स सपोज ह्यूमन की बात करते हैं हमारी बॉडी जो है जब ग्रो कर रही है तो पहले बाजू ग्रो कर जाएं फिर टांगे ग्रो कर जाएं फिर हमारा एब्डोमेन ग्रो करे फिर हेड ग्रो करे क्या ऐसा होता है यह तमाम पार्ट्स डिफरेंट रेट पर आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करते हुए ग्रो करते हैं जाहिर सी बात है बाजू टांगे एबडामिन हेड आइज ईच एंड एवरी थिंग एक ख़ास रफ्तार पर एक दूसरे के साथ रिलेट करते हुए ग्रो कर रहे होते हैं सेम प्लांट में भी हो जाता है रूट्स शूट्स लेटरल ब्रांचेस अपर ब्रांचेस ईच एंड एवरी आपस में एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर रही है एंड दिस कोरिलेशन इज नॉन एज ग्रोथ कोरलेशन इस ग्रोथ कोरलेशन को हमने इस तरह से डिफाइन किया है सिंपल इसकी डेफिनेशन जो है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट

एपिकल डोमिनेंस बेसिकली चीज क्या है एपिक तो हमें समझ में आती है हम इसको टिप कहते हैं एपिक्सिस भी कह सकते हैं। डोमिनेंस का मतलब इसका रोब होगा दैट हैज इफेक्ट अपॉन अदर इफेक्ट अपॉन अदर या फिर इसका जो है वो दूसरों के ऊपर डोमिनेंट रोल है बिल्कुल ठीक समझे आप मैं आपको एक प्लांट की एग्जांपल देता हूँ देखिए स्टूडेंट जैसे कि आपके पास एक पौधा है इस तरह से एक रूट है उसकी ठीक है और साइड्स रूट्स ग्रो करती हैं इसमें ये मेन रूट है और ये साइड्स रूट्स जो हैं वो इसमें ग्रोथ कर रही हैं मेन रूट तो आप जानते हैं ना कि दैट इज़ टैप रूट और जो साइड रूट्स होती हैं ये लेटरल ब्रांचेज होती हैं तो ये इस तरह से इसमें ग्रोथ जो है वो हो रही है अब ये इसका स्टेम है स्टेम आगे ग्रो किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे इससे आगे डिफरेंट ब्रांचेस भी ग्रो कर रही हैं अब इसकी जो टॉप ब्रांचेज हैं वो पहले ग्रो कर रही हैं साइड ब्रांचेज जो हैं वो लेटर बाद में ग्रो कर रही हैं अगर इसकी शेप देखी जाए तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ लाइक दैट वो क्रिसमस ट्री आप देखती हैं वो क्रिसमस ट्री जो है वो ऐसे ऐसे उसकी जो मेन टिप होती है वो पहले ग्रो करती है और बाकी जो लेटरल ब्रांचेज होती हैं वो बाद में ग्रो कर रही होती हैं तो वो बिल्कुल एग्जाम्पल उसी की हम यहाँ पे जो है वो ले सकते हैं एक और प्लांट होता है ये पौधा जो होते हैं वो इस तरह से हैं इसमें हमने कहा कि ये रूट्स हैं इसकी जो स्प्रेड कर रही हैं और ये प्लांट की जो है वो ब्रांचेस हैं और ब्रांचेस जो हैं वो आगे कोई किस तरफ कोई किस तरफ और ये किस तरह से एक पौधा जो है वो हमारे पास इन्वॉल्व बन जाता है डेवलप हो जाते हैं अब दोनों पौधों में ना हमने डिफरेंस देख लिया है एक पौधा जो है वो इस तरह से स्प्रेड हो रहा है बिल्कुल

कहते हैं कि जी ये जो टिप है ये पहले ग्रो करेगी ये जो यानी कि उसकी जो टिप है जो यहाँ पे होगी दैट विल फर्स्ट ग्रो फिर बाद लेट्स सपोज जिसमें हमने ये कहा कि यहाँ पे एक प्लांट है उस प्लांट की एक टहनी मौजूद है हमारे पास वो जो टहनी है उसकी जो मेन ब्रांच है मेन ब्रांच हमसे कहते हैं वो ये दरमियान वाली है इसके साइड्स पे लीव्स वगैरह सब कुछ ब्रांचेस जो हैं वो ग्रो कर सकती हैं और लीव्स वगैरह भी मौजूद होते हैं ठीक है यहाँ पे इस साइड पे भी लीव्स वगैरह हो सकते हैं ठीक है और इसमें फर्दर ब्रांचेस भी यहाँ से ग्रो करना स्टार्ट कर सकती हैं इफ़ वांट यहाँ पे ये यह ब्रांचेस जो हैं वो भी ग्रोथ करना स्टार्ट कर सकती हैं मतलब इट कैन ग्रो यहाँ से इनकी ग्रोथ पॉसिबल हो सकती है साइड ब्रांचेस की लेकिन ये मेन ब्रांच जो है वो यहाँ पे इस तरह से ग्रो कर रही है अब बात पता क्या है वो ये है कि ये जो साइड ब्रांच है ये जो साइड ब्रांच है दीज आर अंडर कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द एपिकल ब्रांच ये जो एपिकल टिप है टिप इसमें हम कहते हैं टिप हैज इनहिबिटरी इफेक्ट अपॉन लेटरल ब्रांचेस ये जो साइड्स वाली ब्रांचेस होती हैं इन साइड्स वाली ब्रांचेस को हमने लेटरल ब्रांचेस के नाम से मेंशन करते हैं हम इनको लेटरल भी कह सकते हैं हम इनको एक्सिलरी एक्सिलरी ब्रांच भी कह सकते हैं एक्सिलरी ब्रांच लेटरल और एक्सिलरी ब्रांचेस लेकिन ये जो है ये हम कह सकते हैं उसकी एक्सियल है जो बिल्कुल एक्सिस में मौजूद है आप ऐसे भी कह सकते हैं दैट इज द मेन एपिकल ब्रांच ये कैसी ब्रांच है एपिकल ब्रांच है अब इफेक्ट ये है कि ये जो एपिकल ब्रांच होती है दैट हैज इनहिबिटरी इफेक्ट और अंडर कंट्रोल द लेटरल ब्रांच लेटरल ब्रांचेस इसके अंडर कंट्रोल होती हैं यानी कि यहाँ पे हमने ये बात की है कि एपिकल ब्रांच जो है ये वाली ब्रांच जो है दैट हैज इनहिबिटरी इफेक्ट अपॉन इट इसकी ग्रोथ को क्या करेगी इनहिबिट करेगी क्या करेगी इनहिबिट और ये इसकी ग्रोथ को इनहिबिट करी पहले ये ग्रो करेगी उसके बाद फिर बाकी जो है आहिस्ता-आहिस्ता ये जो है वो ग्रो करेंगे अब ये इफेक्ट क्या कहलाता है एपिकल डोमिनेंस इफेक्ट कहलाता है इसमें हमने ये कहा कि एपिकल जो ब्रांच होती है एपिकल ब्रांच जो होती है दैट डेवलप फर्स्ट डेवलप फर्स्ट और उसके बाद फिर और जो हैं ये डेवलप करेंगी दिस इफेक्ट दिस फिन इज नॉन एज एपिकल ये फिनोमुना एपिकल वो कहलाता है अब इस एपिकल डोमिनेंस में क्या चीज इन्वॉल्व है ऐसा क्या है जो कि एपिकल बर्ड जो होते हैं एक एक है, जो इसमें इन्वॉल्व होता है यानी कि ये एक हार्मोन है जिसका नाम क्या है ऑक्सिन हैज इनहिबिटरी इफेक्ट अपॉन द लेटरल ब्रांचेस व्हिच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एपिकल बर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द ऑक्सिलरी और लेट्री ब्रांचेस ये लेटरल ब्रांचेस की तरफ जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं अच्छा यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया दैट एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म बाय टू साइंटिस्ट थियामिन एंड स्कोक ऑक्सिन हैज इनहिबिटरी इफेक्ट आफ्टर दैट अ स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म बाय थायमेन एंड स्कोक इन 1934 इन 1934 अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स क्या परफॉर्म किया इन्होंने बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें दो इफेक्ट्स uh, को डिस्कस किया गया है एक इफेक्ट हम कह सकते हैं इनहेबिटरी इफेक्ट है जिसमें डोमिनेंस इफेक्ट शो करता है इफेक्ट है, जबकि दूसरा यहां पे जो है वो कैसा है कम्पनसेटरी uh, इफेक्ट है कम्पनसेटरी इफेक्ट ठीक है दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कंसीडर होते हैं अब इनहिबिटरी इफेक्ट क्या है इनहिबिटरी इफेक्ट उन्होंने यही कहा कि जो एपिकल बर्ड होता है एपिकल बर्ड होता है एपिकल बर्ड या एपिकल टिप जो होती है लेटरल ब्रांचेस ग्रोथ ग्रोथ ऑफ़ द लेटरल ब्रांचेस लेटरल ब्रांचेस ग्रोथ इसको इनहिबिट कर रही है ये इसका इनहिबिटरी इफेक्ट था

रिलीज फ्रॉम रिलीज फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस, ये एपिकल डोमिनेंस से रिलीज हो जाती हैं एंड दिस इज नोन एज कम्पनसेटरी इफेक्ट इसको हमने कम्पनसेटरी इफेक्ट के नाम से मेंशन किया गया है। यहाँ पे एक डायग्राम में भी रिप्रेजेंट किया गया है आप डायग्राम यहाँ पे देखें उस डायग्राम में क्या किया है उसने कि एक में प्रॉपरली स्ट्रक्चर मौजूद है जिसमें एपिकल है वो उसको कर जबकि दूसरे में क्या किया गया है उसको रिमूव किया उसने बड को प्रून किया है जैसे बड को प्रून किया है तो जैसे कि यहाँ पे हमने की थी, तो यहाँ पे इनहेबिट्री इफेक्ट है जो उसको इनहेबिट कर रहा है इनहेबिट्री है अब यहाँ पे अगर एक और डिस्कस किया जाए कंपनसिटरी तो कम्पनसिट्री में ये कंपनसेशन जो है वो शो करेगा कैसे शो करेगा जैसे कि यहाँ पे हमने इसके लिटरल बर्ड जो है उसको रिमूव कर देते हैं लिटरल जो है उसको क्या कर दिया प्रोन जो इसका मेन बर्ड है एपिकल बर्ड उसको प्रोन कर दिया और इसके जो लिटरल बर्ड स्टार्ट ग्रोथ ये क्या स्टार्ट कर देते हैं ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं तो इस तरह से जो लेटरल बर्ड की ग्रोथ स्टार्ट होना शुरू हो जाती है इस पे फर्दर आगे लीव्स और ये स्ट्रक्चर जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं तो इस तरह का जो इफेक्ट है दैट इज नोन एज इफेक्ट अच्छा यहाँ पे हारमोन की बात की गई थी एक तो हमने कहा कि हारमोन ऑक्जीन इन्वॉल्व है इसके साथ साथ में, में पता चला कि एक और हारमोन भी है जिसको हम साइटोकाइन के नाम से इन्वॉल्व करते हैं Cytokinins. ये दो हारमोन जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं एक ऑक्सीजन और दूसरा जो है वो इसमें साइटोकाइनिन जो है वो इन्वॉल्व होता है अब बाद में पता चला कि साइटोकान जो है ये जो इनहेबिटेड लिटल बर्ड्स होते हैं अगर डायरेक्टली उन पर अप्लाई करें तो समाइम्स ये उनको रिलीज कर देता है और उसके अंदर भी जो है वो फर्दर uh, ग्रोथ जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है मतलब उसकी जो इनहिबिशन है वो क्या हो जाती है खत्म हो जाती है अच्छा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इज दैट वट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ एपिकल डोमिनेंस एपिकल डोमिनेंस की एप्लीकेशन क्या है तो इसकी जो एप्लीकेशन हैं वो दो हैं हमारे पास एक तो ये है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द टैप रूट टैप रूट जो है उसकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि यहाँ पे यह हमने कहा कि ये जो रूट है ये कैसी रूट होती है टैप रूट जबकि ये जो रूट्स हैं ये कैसी रूट्स हैं? लेटरल रूट्स हैं। अब ये जो लेटरल रूट होती है ये आहिस्ता आता ग्रो करेंगे अगर टैप रूट पहले ग्रो करती है तो जहरी सी बात है टैप रूट आ गया ग्रो करती जाएगी करती जाएगी और लेटरल रूट जो होती है वो क्या हो जाएंगी स्टॉप हो जाएंगे उनकी ग्रोथ जो है वो लेटर होगी बाद में होगी तो इस तरह से ये टैप रूट की ग्रोथ में बहुत अहम रोल प्ले कर रही है दूसरा हम ये कह सकते हैं दैट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल इनहिबिशन ऑफ स्प्रॉटिंग इन पोटैटोस यानी कि इनहिबिट इनहिबिट स्प्रॉटिंग ऑफ पोटैटोस स्प्राउटिंग ऑफ आइज़ स्प्राउटिंग का मतलब होता है उगना स्प्राउटिंग ऑफ आइज़ इन पोटैटो आई इन पोटैटो ये पोटैटो के अंदर जो है वो आइस जो है उसकी जो ग्रोथ होती है उसको स्टॉप करने में इन्वॉल्व होता है यानी कि आलू को उगने नहीं देता तो ये अगर आप उस पर ऑक्सीजेंस अप्लाई करते हैं तो तभी ऐसा होगा मतलब कि ये तब होगा जब आप उस पर क्या अप्लाई करेंगे ऑक्सीजेंस अप्लाई करते हैं ये ऑक्सीजन के अप्लाई करने की वजह से ही ऐसा होगा अच्छा एक इम्पॉर्टेंट एम ये है कि जो पोटैटोज़ हैं इनका स्टोरेज लाइफ वन टू थ्री ईयर्स तक जो है वो क्या हो जाता है एक्सटेंड कर जाता है वन टू थ्री ईयर्स तक एक्सटेंड कर जाता है ये इंपॉर्टेंट एम से में कंसीडर कंसिडर किया जाता है अच्छा ओवरऑल लेक्चर को अगर रिव्यू किया जाए तो उसमें हमने यही बात की है ग्रोथ कोरिलेशन क्या होता है मतलब इसमें हमने डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट ग्रोथ रेट पर डिफरेंट पार्ट्स को ग्रो करवाया इस आपस में रिलेशन को ग्रोथ को रिलेशन कहते हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन या इसमें एग्जाम्पल जो है वो एपिकल डोमिनेंस है जिसमें जो एपिकल बर्ड जो टिप होती है दैट हैव इफेक्ट अपॉन द अदर लेटरल डोमिनेंस का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, है। जबकि ऐसे प्लांट्स में एपिकल डोमिनेंस का इफेक्ट होता ही नहीं है क्योंकि इसमें सारी ब्रांचेस होती हैं वो इक्वली ग्रो कर रही होती है कोई ऐसा एपिकल ब्रांच का कोई कॉन्सेप्ट इसमें एग्जिस्ट नहीं करता जबकि यहाँ पे एपिकल डोमिनेंस का यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता जबकि इनमें होता कुछ यू है कि जो एपिकल बर्ड होते हैं या एपिकल ब्रांच होती है दैट हैज़ इफेक्ट अपॉन द ऑक्सिलरी ब्रांचेस ये इनको इनहेबिट करती है और इसमें जो ऑक्सिन साइटोकन इन्वॉल्व होते हैं और बाद में फिर ये थियामन और स्कूप जो है 1934 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इसमें एक इनहेबिटरी इफेक्ट है जो उसके लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ को इनहेबिट करता है और कंपनसेट्री इफेक्ट है जो उसकी एपिकल बर्ड होते हैं अगर आपसे रिमूव कर देते हैं तो उसके इफेक्ट से एपिकल डोमन से रिलीज हो जाते हैं अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो टैप रूट की ग्रोथ में बहुत अहम रोल प्ले करता है और अगर आप ऑक्सीजन अप्लाई करें पोटैटोज के ऊपर तो पोटेटोज के अंदर जो आइस की स्प्रॉटिंग होती है उसको इन्हेबिट करने में इन्वॉल्व होता है और इस तरह से उनका जो स्टूडेंट्स लाइफ होता है वो वन टू तो थ्री ईयर्स तक एक्सटेंड कर जाता है जी स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि हमारी आम लाइफ के अंदर ग्रोथ को के क्या एप्लीकेशन है जबकि अगर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ग्रोथ कोरिलेशन की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और ओवरऑल एपिकल डोमिनेंस का इफेक्ट जो है फिनमोना जो है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सर्टन एमसी बन सकते हैं द विच हारमोन इन्वॉल्व इन ग्रोथ कोरलेशन आर एपिकल डोमिन इफेक्ट तो हार्मोन जो मेनली इन्वॉल्व होता है दैट इज ऑक्जन और जो उसके साथ में इन्वॉल्व हो रहा है वो कौन सा है साइटोकाइनिन तो ये भी चीज़ इसमें क्या होती है शामिल होती है सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स कि एनिमल्स में भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है कैसे होती है एग्जाम्पल भी लेंगे उनके की इवेंट्स भी पढ़ेंगे तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा मुझे इजाजत दें अल्लाह हाफिज